यहाँ इतने पिता बैठे हैं महाराज जिन्होंने अपनी बेटियों का कन्यादान किया होगा। एक बात बोलूं, जीवन में आप कहीं भी भोजन करने जाएं, कहीं भी आप भोजन करने जाएं और भोजन में स्वाद न मिले तो एक बार कह सकते हो, लेकिन निवेदन है अगर कोई बाप अपनी बेटी की शादी कर रहा है तो बाप भोजन में अगर स्वाद ना आए तो कभी मत बोलना, क्योंकि पिता अपनी पूरी जिंदगी की कमाई वो उस दिन के लिए पूरे जीवन भर कमाता है कि मेरी बेटी अच्छे घर में जाए। और सुनो महाराज, बिटिया शादी में सज धज के तैयार होके जब पहुंचती है ना जयमाला डालने के लिए, मैंने कई पिताओं को देखा है बेटी रानी बनी बैठी है लेकिन बाप खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। पिता खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है, पिता का चेहरा उसी दिन उतर जाता है जिस दिन लाड़ो के लिए यानी कि बेटी के लिए लड़का देख के आता है। बेटी पूछती, पापा को ज्यादा मांग लिया क्या? बोले नहीं लाड़ो, ज्यादा नहीं मांगा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि आज से चौथे महीने तू दूसरे घर की हो जाएगी। भाई ने अपनी परछाई दे दी और दहेज में लोगों को क्या चाहिए होता है, क्योंकि लड़के बालों को आप लड़की वाले लड़के बालों को घर बेच के या गिरवी रख के भी दे दें तब भी वो यही कहेंगे कुछ ज्यादा नहीं मिल पाया। अच्छा बिटिया की विदाई पे सब रोते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति रोता है जिसे नहीं रोना चाहिए और वो है बेटी का भाई। जब तक वो कुंवारी रहेगी तब तक रोज डांटेगा, रोज पीटेगा, मेरे लिए खाना बना दे, मेरे कपड़े धुल दे, रोज लड़ाई करेगा, लेकिन जब बहन विदा होती है ना तो सबसे ज्यादा भाई रोता है। एक व्यक्ति पूछता है कि आज तू इतना क्यों रो रहा है, तो भाई जवाब देता है कि बीरन जितनी बार लड़ाऊ ना मैं अपनी तरफ से ही लड़ाऊ, जितनी बार लड़ाऊ मैं अपनी तरफ से ही लड़ाऊ, और जब तक मैंने खाना नहीं खाया क्या मजा लिए भोजन कर ले, और अगर मैं बाहर गया ना बाहर से लेट हो गया तो उसने 50 फोन कर दिए काम मर रहा है अरे जल्दी आजा मुझे भूख लगी है भोजन करना है। भाई जवाब देता है कि बीरन आज से न तो कोई लड़ने वाला होगा और ना ही कोई मनाने वाला होगा। मैंने यहां तक देखा है बुजुर्गों, बहन की विदा हो जाए यानी कि बहन पराए घर की हो जाए और भाई पे अगर कोई मुसीबत आ जाए तो जो भी होगा ना जेवर वो गिरवी रख के भाई को पैसे चुपचाप भेज देगी। पिता अच्छा जब घर में लड़की पैदा होती है ना तो लक्ष्मी भाग्य संस्कार लेके आती है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ेगी पिता को और माँ को चिंता होने लगती है। बाप शादी से एक महीने पहले देखा होगा, पिता जब बेटी की शादी करता है तो उससे एक महीने पहले भागेगा दौड़ेगा सब काम करेगा पैसे इकट्ठे कर लेगा जितने लड़के वाले मांगेंगे, लेकिन जैसे ही बिटिया विदा हुई वैसे ही कोने में गिर पड़ता है और कहता भैया अब हमसे दो चार दिन बाद मत करना, लक्ष्मी गई वो तो गई लेकिन मेरे हाथों और पैरों को तोड़ के चली गई। महाराज बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां बोझ नहीं होती, लेकिन जहां दहेज की बात आती है ना तो गरीब पिताओं को बेटियां बोझ लगने लगती है। ये सोचते हैं कि मैं इतना धन कहां से लाऊंगा, बाप अपनी बेटी की आंखों में आंसू शादी से पहले भले ही देख ले लेकिन आप याद रखना वो पिता कभी बेटी की आंखों में आंसू शादी के बाद नहीं देख सकता। शरीर गिरवी रख सकता है लेकिन बेटी को कभी दुखी नहीं रखेगा। महाराज
बिटिया अगर ससुराल में जाके कुछ अच्छा बना लेना तो सबसे पहले माँ को फोन करती है, मैया आज मैंने ये बनाया है। लेकिन माँ तू हमें रोज कहती थी कि सीख ले पराए घर जाना है, लेकिन मैंने कभी नहीं सुनी, आज तेरी बड़ी याद आ रही है। महाराज एक बात याद रखना, बिटिया चाहे गरीब की हो और चाहे अमीर की हो, आप ये मत सोचना कि गरीब की बेटियां, इनके घर पैसा नहीं है, इनके बाप अच्छे से नहीं पालते। अरे बाप चाहे कितना भी गरीब हो, मैंने पहले भी बताया है कि बाप वो है, माँ कमर पे बिठाती है बच्चे को ताकि जहां तक माँ देख सके वहां तक बच्चा देखे, लेकिन पिता कंधों पर बिठाता है कि तू मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है तू वहां तक नहीं देखेगा, उससे भी ज्यादा दूर देख सकता है। दहेज ने बेटियों को बोझ बनाया है। एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, एक गरीब पिता अपनी बेटी की शादी करता है, तो जब शादी हो जाती है, गरीब पिता लेने के लिए बेटी को नहीं पहुंचता, तो बेटी आज पापा को चुपचाप पत्र लिखती है और कहती, पापा आप जब विदा की थी तब से आज तक आपने मुझे याद नहीं किया, तो मैं ये पूछ ही लेते कि बेटी कहाँ है। अरे कुछ बेटियां तो ऐसी होती, भले ही ससुराल में बनी रहे लेकिन अगर बाप बीमार है तो बेटा नहीं पूछ पाएगा, लेकिन 10 में 10-20 बार फोन कर लेगी, पापा आपने दवाई ली, आप ठीक हो ना। इतनी चिंता रहती है बेटियों को। नकली धनवानों की पहचान है, नकली धनवानों की पहचान है खोखा और पेटी, और असली धनवानों की पहचान है जिसके घर में सुखी है बहू और बेटी। ओस की बूंद सी होती है बेटियां, दामन दिल धाम हो तो रोती है बेटियां, एक घर की आन होते हैं बेटे तो दो दो घरों की आन होती हैं बेटियां। वो गरीब बाप की बेटी पिता को पत्र लिखती है, पापा एक मेरी बात सुन लो, पापा अपने ही खून से लिखी है चिट्ठियां, अपने ही खून से लिखी है चिट्ठियां, ओ पापा मायके को तरसे तुम्हारी बुढ़िया, दहेज नहीं दे पाया, सासू मेरी मारे ससुर धम खावे पापा, सासू मेरी पापा ननद दिखावे तेल की कटिया, बबुला ननद दिखावे तेल की कटिया, बबुला मायके को तरसे तुम और पिताजी। मायके में पापा तुमने कब कब डांटी, अगर माँ डांट भी देती थी तो आप बोलते थे कि पराया धन है इससे कुछ मत कहा करो। मायके में बबला तुमने कब कब डांटी, ससुरे में बिना पिटे दिन जात नाई बाकी, बस थोड़े ही दिन नकी है जब बिटिया, तुम्हारी बिटिया।
एक बात सुन लो, जिसको मनाया पापा जीवन साथी, वो ही कहता है लगा ले तू फांसी, जिसको बनाया पापा जीवन साथी, बेटियां भले ही भाइयों भाइयों में यहाँ चाचा ताऊ पिताजी में झगड़ा हो जाए, लेकिन बेटियां कभी आंजान बंद नहीं करती और करना भी नहीं चाहिए। आप पराई घर की हो, ये भाई भाई तो रोज लड़ेंगे और रोज ही खट्टी खाएंगे बैठ के, लेकिन आप पराई घर की हो, आप कभी भी ऐसी दुश्मनी मोल मत लेना। दादा कहते हैं कि राजा जनक दशरथ से एक बात कहते हैं, ये संबंधी जी आपसे मेरा निवेदन है कि यहां से मेरी बेटी को लेके जा रहे हो तो मेरी बेटी को बेटी के समान ही मानना। हमारी लाड़ो मेरी जान है। तो दशरथ जी की आंखों में आंसू आ गए और एक बात कही है कि कैसी बात करते हैं, अरे आप तो जानते हैं ना कि हमारा राम कितना संस्कारी है, हमारे यहाँ की रीति, हमारे यहाँ बहु बेटियों को एक समान माना जाता है। आप निश्चिंत रहिए महाराज। विदा किया चारों भाई, जब शादी करके आए हैं तो बाबा चौपाई में लिखते हैं कि रंग भूमि जब सी पगधारी, मोहे देख सकल नर नारी। वही चौपाई आती है कि मोहन नारी, नारी के रूपा और पन्नगारे है चरित अनुपा। पगधारी है भगवान श्री राम का नाम, जिनको देख के स्त्रियां मोहित हो गई, पुरुष भी मोहित हो गए। मां सीता की तरफ लोग टकटकी लगा के देख रहे, धन्य है दशरथ और कितनी अच्छी पुत्र वधु है। आंगन में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बड़ी खुशियां हैं। लेकिन दादा याद रखना, समय बीता तो देवतागढ़ विचार करने लगे कि हमें ये लगता है खुशहाली ज्यादा फैल रही है तो हमें अपना काम करना है। मैया सरस्वती पहुंची जो मंथरा की बुद्धि पर, जिभ्या पर बैठी जाके
मंथरा, मन थरा महाराज, जैसे देखा होगा जो संतरे का फल होता है उनमें आठ कली होती है अंदर, कितनी? आठ, आठ कली होती हैं। ऐसे ही जिस औरत की, जिस माँ की आठ जगह एक सेकंड में आठ तरीके से बुद्धि चलती है, वही मंथरा है। ऐसे नहीं जैसे किसी के दरवाजे पर कोई माँ गई और उसने बोला कि तुम्हारे पति बहुत काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, तो घरवाली बोल देगी वो घर के मुखिया हैं, वो ही सबको संभालते हैं, तो वो तो करेंगे ही करेंगे, कि यही तो चिंता है कि वो कमा रहे हैं तुम्हारे, कमा रहे तुम्हारे और खा रहे पूरे घर के, ये तो ठीक नहीं है, पूरा घर काम करे तब अच्छा लगता है। फलों में संतरा और औरतों में मंथरा। महाराज कहते हैं कि वो बुद्धि ऐसी घुमाई है, कहते नारी जो करे सो कर छोड़े, कहो तो राजा को रंक बनाए दे घर घर वो डोले, औरत करे सो कर छोड़े। यहाँ राजा दशरथ ने दर्पण में अपना मुख देखा तो देख करके विचार किया कि एक बाल सफेद है, सोचा बुढ़ापा है, अपने बड़े पुत्र को राजगद्दी दे दे। राजगद्दी की जब तैयारियां हुई तो यहां जाकर के मंथरा ने केकई से कहा कि है, क्योंकि ये केकई के साथ ही आई थी मंथरा नाम की दासी, तो जाकर के कहा कि हे देवी तुम यहां बैठी हो, अरे हमने सुना है कि राम का राज तिलक है। बोले हाँ है तो क्यों? बोले वही विचार कर रही हूँ कि ये कौशल्या बहुत चालाक है, तुम्हारे बेटे भरत को राजगद्दी नहीं दिलवा रही है और राम को राज तिलक हो रहा है। केकई ने जवाब दिया, जवान खींच लूंगी अगर राम के खिलाफ एक भी शब्द बोला, मुझे राम जान से भी प्यारा है। और ये सत्य है महाराज, केकई को राम इतने प्यारे थे, एक दिन की बात, रोज केकई अपने आंचल से छुपा के तब सुलाती थी, आंचल से लगा के तब सुलाती थी केकई। एक दिन कौशल्या ने जवाब दिया कि हे बहन तू रोज सुलाती है राम को, आज हमें दे दे मैं सुलाऊंगी। महाराज कौशल्या मैया को चार घंटे हो गए लोरियां सुना रही हैं, कहानियां सुना रही हैं राम को, लेकिन राम को नींद नहीं आई। तो पूछा है लाला नींद नहीं आ रही है? बोले नहीं मैया। क्यों? मुझे मैया केकई के पास जाना है। कौशल्या हिचकी लेके रोई कि धन्य है केकई, तू कितनी प्यारी है, अरे मुझे ये मेरा राम एक मिनट मेरे पास नहीं रह सकता और तेरे लिए हमेशा व्याकुल रहता है, अकेले राम नहीं। तीन चार घंटे बाद जब मैया केकई के पास कौशल्या वापस राम को लेके गई है, बुजुर्गो तो याद रखना घुटनों के बल मैया केकई कमरे की ओट लेके बैठी, सिसकियां ले रही है, सिसकियों की आवाज जब कौशल्या के कानों में पहुंची तो बोली बहन केकई क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या? तो जवाब दियो केकई ने कहे बहना हमारी जान हमारी आत्मा तो आपके पास है, हमें भला नींद कैसे आएगी? मुझे नींद नींद नहीं आ सकती। वही जाकर के लिटा दिया मैया केकई, आंचल से छुपा करके राम को सुखी नींद सो जाती है। इतने प्यारे थे राम मैया केकई को। बोलो लोड़ी मैया के पास इसलिए रखती है ताकि तुम्हें लगे वो तुम्हारा ही बेटा है। बहुत देर तक समझाती रही, अंत में केकई को वो बात याद आई है कि मेरे राम ने हमसे कहा था कि हे मैया मैं यहाँ पृथ्वी पर भार कम करने आया हूँ, राक्षसों को मारने उद्धार करने आया हूँ, इसलिए तुझे वरदान मांगने हैं पिताजी से। भैया केकई कोप भवन में लेट गई,
जब गो भवन में लेटी है, आई राजा दशरथ ने पूछा, देवी क्या बात है? बोले हमने सुना है राम का राज तिलक है। बोले हाँ है तो महाराज आपको शायद याद हो मेरे जो दो वरदान थे वो आप मुझे दे दो। अरे देवी पागल हो क्या? अरे दो नहीं चार मांग लो, चार नहीं दस मांग लो, जितने चाहिए हो मांग लो, तुम्हें पता है ना बड़ी खुशी का समय है। बोले नहीं, जवाब दिया दो ही वरदान दे दो। बोले ले लो, ऐसे नहीं चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अबला को ना बहकाओ, यदि सच्चे हो तो रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ, राम की सौगंध खा जाइए। बोले हे राजा दशरथ मांग लो देवी, सौगंध खाता हूं, आप जो मांगोगी आपको वही मिलेगा। तो बोले सुनिए, पहला वरदान जो मेरा है वो ये है कि आप भरत को ननिहाल से बुला लीजिए और उसका राज तिलक कर दो। अरे देवी जैसे मेरे राम हैं वैसे भरत हैं, एक ही बात है, चाहे भरत का हो जाए चाहे राम का हो जाए क्या फर्क पड़ता, बेटे तो सभी हैं। बोले नहीं महाराज, पहला तो सुन लिया, दूसरा जरा अच्छे से सुन लो। बोले हाँ बोलो। तो बोली है मैया के कई, अरे तापस वेश और विशेष उदासी चौधे वर्ष राम बनवासी, नाचो करो, मने आए तो मने आए सो, अबे बैठ जा, हम भजन बोल दे तब नाच लेना है, अभी बैठ जा थोड़ा सा, हम भजन बोल देंगे वैसे ही नाच लेना। हाँ भैया ध्यान देना बुजुर्गो, तापस भेष विशेष, दादा तापस तपसी के भेष में विशेष, शेष नाम के अवतार लक्ष्मण ये जरूर जाने चाहिए, क्योंकि दादा अगर लक्ष्मण बन के लिए न जाते तो मेघनाथ को मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। मेघनाथ को वो ही मार सकता था जिसने 14 वर्षों तक अपनी पत्नी का मुख न देखा और जो सोया न हो। फिर शंका होती है कि 14 वर्षों का ही वनवास क्यों मांगा, 13 का मांग लेती, 18 का मांग लेती, 16 का मांग लेती। लेकिन महाराज रावण की मृत्यु के सिर्फ 14 वर्ष ही बाकी बचे थे। आई मौत छोड़े नहीं, रहो चाहे देश विदेश, और बिना मौत मरियो नहीं चाहे बिचरो देश विदेश। मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी, और जिस समय मौत आ जाएगी वो घड़ी न टलने। राजा दशरथ बेहोश हो गए। बोले देवी क्या मांग रही हो? होश आई हो तो जवाब दी, अरे पगली मेरी जान मांग लेती वो मुझे अच्छा लगता, मेरे मरने की दुआ कर लेती वो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन मेरा राम हमसे अलग होगा और बन के लिए जाएगा कैसे रहेगा। केकई ने जवाब दियो, सुनो महाराज, प्रात होत मुनि भेष धर, जो न राम बन जाए मोर मरन और रस जरन रप सोचो मन माए। अगर सुबह होते ही राम बन के लिए नहीं गए तो जिस द्वार से राम नहीं निकलेंगे उसी द्वार से मेरी अर्थी निकलेगी, इतना याद रखना।
अब राजा फटी फटी आंखों से पत्नी का चेहरा देख रहे। राम ने बचपन में कह दिया था, मैया शायद है तू जब ये वरदान मांगेगी तो जीवन में तेरा बेटा तुझे कभी माँ नहीं बोलेगा। तो केकई ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि हे राम, मुझे जरूरत भी नहीं है कि दुनिया मुझे माँ बोले, जब पूर्ण जब पार ब्रह्म परमात्मा मुझे माँ बोल रहा है तो दुनिया माँ बोले या ना बोले फर्क नहीं पड़ता। बोलिए गोविंद भगवान की, जब तू मुझे माँ मान चुका है तो मुझे और किसी से सुनने की जरूरत नहीं है। भैया राम को पता चला तो बड़े प्रसन्न हुए। मैया सीता ने कहा नाथ मैं भी चलूंगी। अरे तुम क्या करोगी, जाके यहीं रहो, माता पिता की सेवा करना। एक बड़ी प्यारी बात कही है कि प्रभु आप नहीं जानते, अगर म्यान में तलवार न हो या तलवार के लिए म्यान न हो तो वो तलवार अच्छी नहीं लगती, एक बाग में कोयल न हो तो वो बाग अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही अगर पत्नी पति के साथ न हो तो पत्नी अच्छी नहीं लगती। मुझे लेके चलिए, मैं भी आपके साथ में चलूंगी। तो जवाब दो है भगवान ने कि नहीं मान रही हो तो चलो, लेकिन हे देवी अगर लखन जान गए तो वो भी नहीं मानेंगे, तब तक लखन का आगमन हो गया। बोले भैया हमें भी ले चलो। बोले पागल हो क्या। तो बड़ी प्यारी बात कहते हैं लक्ष्मण कि जब शरीर से अगर आत्मा निकल जाए तो ये शरीर काऊ काम को ना है। और महाराज ऐसे ही अगर आप बन के लिए चले गए तो ये लक्ष्मण यहाँ मिट्टी के समान है, इसका क्या काम है। हाथियों दंत बिन ज्ञान जैसे संत बिन, और कामिनियों कंठ बिन लागे छार सुनी है। हाथियों दंत बिन काम ज्ञान जैसे संत बिन, और कामिनियों कंठ बिन लागे छार सुनी है। मंदिर यो दीप बिन बाग जैसे कूप बिन, और प्रजा एक भूप बिन लागे सोनी सोनी है। काया यो वस्त्र बिन सूरमा यो शस्त्र बिन, और माया एक पुत्र बिन लागे छार सोनी है। अरे कंठ बिन राग जैसे, कंठ बिन राग जैसे, और ज्ञान बिन बेराग जैसे, और तैसे नाम भजन बिन जदे सुनी सुनी है। लक्ष्मण बोले भैया शरीर से आत्मा निकल जाए तो जो शरीर का उकाम को ना है, लेके चलो हमें, नहीं मानोगे। बोले बिल्कुल नहीं। तीनों प्राणी जब महाराज तपसी भेष में निकले, अवध के लोग रो रहे हैं। बोले महाराज कहां जा रहे हो, मुझे छोड़ के मत जाइए। भगवान बोले आप चिंता ना करो, मैं 14 वर्षों के बाद वापस आऊंगा। राजा दशरथ को जरा सो होश आयो तो बोले, बोले बात एक ही की, राम की बात थी, बोले हैं बात एक ही की, दो और सिधारे जाते हैं, क्यों नहीं जा रहा प्राण मेरा जब प्राणन प्यारे जाते हैं। जानकी 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 जाती है। बोले जानकी जानकी जाती है, लक्ष्मण मणि लक्ष्य समान, मुझे जब ये भी बन को जाते हैं तो राज भवन शमशान, ये फिर ये तो शमशान है, ये मेरा घर नहीं है। रो रहे हैं।
आज प्रजा के लोग आहें भर रहे हैं दादा। राम सीता देने की जो सब सुख वो पाए। राजा दशरथ बोले, महाराज सुमंत जी छोड़ने के लिए चले। हाँ भैया, मेरी आवाज ध्यान पूर्वक सुने।